सावन की ऋतु है आ जामा। जय माता दी, शरदीय नवरात्रि पर होगी भारी भीड़, टूटेगा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड। अनुमान है कि डेली 60,000 से 80,000 लोग दर्शन करेंगे। यात्रा पर्ची, हेलीकॉप्टर बुकिंग के साथ साथ होटल की भी बुकिंग फुल हो चुकी है। माता रानी के सभी लाडले भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल डिवोशनल दर्शन पर। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शरद नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होने वाली है। रात्रि को देखते हुए वैष्णो देवी पर अभी से भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। जो लोग नवरात्रि पर माता वैष्णो देवी के दर्शन को आ रहे हैं वे अपना RFID कार्ड लेना ना भूलें, अन्यथा आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी। RFID कार्ड आपको ऑनलाइन बुकिंग की हुई यात्रा पर्ची दिखाकर श्राइन बोर्ड के किसी भी यात्रा पर्ची काउंटर से ले सकते हैं। जिन लोगों ने ऑनलाइन यात्रा पर्ची नहीं कराई है या जिनके पास नहीं है वे लोग श्राइन बोर्ड के किसी भी यात्रा पर्ची काउंटर से, जो कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और निहारिका भवन में बने हुए यात्रा पर्ची काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय माता दी। सर्व सोने दीते